बीते दिनों चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव आयोग हरियाणा में अब तारीखों में कुछ बदलाव कर सकता है। खबर है कि 1 अक्टूबर को होने वाले ये इलेक्शन अब 7 या 8 अक्टूबर को शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है जिसमें ये मांग की गई है। INLD के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि चूंकि लोग आमतौर पर वीकेंड पर छुट्टियों पर चले जाते हैं, इसलिए ये निश्चित रूप से मतदान को प्रभावित करेगा। वोट परसेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत में 15-20% की कमी होने की संभावना है। वहीं सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि 28 से 29 सितंबर को शनिवार और रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। हालांकि अब INLD और बीजेपी की इस मांग के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। वहीं इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस प्रमुख चौधरी उदयभान ने कहा कि भाजपा छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालना चाहती है, जबकि सच ये है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा की छुट्टी करने का फैसला कर लिया है। वहीं इसी के साथ हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM और JJP नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में समय से पहले मतदान की घोषणा होने से भाजपा बुरी तरह घबरा गई है और इसी के चलते BJP मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के दरबार तक पहुंच गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को इस चुनाव में हार का डर स्पष्ट सता रहा है, क्योंकि अब भाजपा का जनाधार प्रदेश में गिर चुका है और इसके चलते वो 20 सीट भी हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं BJP और INLD की इस मांग पर मंगलवार को चुनाव आयोग फैसला लेगा। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अब क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।